नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और खबरों की शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जावरा में मध्य प्रदेश विकास यात्रा एवं अंत्योदय मेले को किया संबोधित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से असम राज्य के पत्रकारों के दल ने की भेंट। असम के जनसंपर्क विभाग के उपसंचालक प्रणजीत हजारिका ने मुख्यमंत्री को पारंपरिक परिधान पहनाकर किया स्वागत। और पर्यावरण मंत्री अंतर सिंह आर्य ने जलवायु परिवर्तन पर एप्को के पोर्टल का किया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उज्जैन जिले के महितपुर कस्बे में विकास यात्रा के अवसर पर अंत्योदय मेले की आम सभा में कहा कि शिप्रा नदी के बाद अब नर्मदा नदी को फरवरी माह तक गंभीर नदी से जोड़ा जाएगा। इसके बाद पार्वती, काली सिंध और नर्मदा नदी को चंबल तक ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मालवा के किसान को पानी दे दिया जाए, धरती की प्यास बुझा दी जाए तो वह खेती में कमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने 12 वर्ष पूरे होने पर मीडिया से चर्चा में आम नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे समर्पित लोक सेवक की तरह काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इन 12 सालों में लोक सेवा को मिशन बनाकर काम किया है, लोगों से रिश्ता मजबूत हुआ है, लोगों का भरपूर स्नेह, सहयोग और साथ मिला है, यही वास्तविक शक्ति है। मुख्यमंत्री ने कृषक उद्यमी योजना की चर्चा करते हुए कहा कि किसानों की आजीविका में खेती से जुड़े अन्य कार्य भी शामिल होने चाहिए, इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी गरीब व्यक्ति बिना आवासीय भूमि के नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से असम राज्य के पत्रकारों के दल ने सौजन्य भेंट की। ये दल मध्य प्रदेश के इतिहास, कला संस्कृति, सुशासन के प्रयासों और विकास मंत्र को जानने के लिए प्रदेश के दौरे पर है। मुख्यमंत्री ने असम राज्य के जीवन मूल्यों और लोक संस्कृति की चर्चा करते हुए कहा कि असम की कला, संस्कृति, लोक जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य ने असम को भारत का विशिष्ट राज्य बनाया है। उन्होंने कहा कि असम और मध्य प्रदेश परस्पर एक दूसरे से सीखकर अपने अपने राज्यों में विकास के लिए नई पहल करेंगे। उन्होंने असम के नागरिकों को मध्य प्रदेश की ओर से शुभकामनाएं दी। पत्रकारों के दल ने मुख्यमंत्री को उनके कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। स्कूलों में शीघ्र ही संस्कृत विषय के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश में 34,000 संविदा शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। स्कूलों में संस्कृत को वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने ये बात राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय ज्योतिष कार्यशाला में कही। कार्यशाला का विषय ज्योतिष शास्त्र की वैज्ञानिकता एवं वर्तमान समय में प्रासंगिकता था। कहानियां बच्चों और शिक्षकों के बीच परस्पर व्यवहार स्थापित करने में सेतु का काम करती हैं। कहानियों की मदद से शिक्षक बच्चों के दिलों के माध्यम से उनके दिमाग तक सहजता से पहुंच सकते हैं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने प्रगति शैक्षणिक संस्थान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कहानी उत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि मैंने अपने स्कूल के समय में कहानियों के माध्यम से गुरु को बच्चों का मित्र बनते देखा है। जैसे न्याय के लिए बात कही गई, वो न्याय को समझेगा। बाबा भारती और खड़ग सिंह की कहानी में भी हम देखें कि बाबा उससे यही कहता कि अगली बार ऐसी घटना मत करना, क्योंकि जमाने का ऐसे लोगों पे से विश्वास हो जाएगा। तो कहानी कहीं ना कहीं एक तरीके से मौत करने का बहुत अच्छा प्रयास है। और हमारे यहाँ तो हम भारतीय को बहुत बड़ी बात है कि हमारी संस्कृति में इतना बड़ा साहित्य पढ़ा हुआ है कि हम बच्चों को बहुत आसानी से सुलभ तरीके से इस तरफ ले जा सकते हैं। उधर पर्यावरण मंत्री अंतर सिंह आर्य ने बुधवार को भोपाल में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर हुई 1 दिवसीय राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर एप्को के पोर्टल का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि एप्को द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के विरुद्ध और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जल्द ही एक पुस्तक का प्रकाशन किया जाएगा। पुस्तक में प्रदेश के जिलों में अपने जमीनी अनुभवों के आधार पर लिखने वाले पत्रकारों के विचार, सफलता की कहानियां, अनूठी पहल और अनुभवों पर आधारित आलेखों का संग्रह होगा। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएचटीवी। नमस्कार।